मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी MPPSC के ऊपर वैसे तो कई कहावतें बिल्कुल फिट बैठती हैं, लेकिन इन दिनों सिर्फ एक कहावत MPPSC के ऊपर बिल्कुल फिट बैठ रही है और वो है 9 दिन चले अढ़ाई कोस, यानी इतनी देरी से काम करना कि काम पूरा होने की उम्मीद ही खत्म हो जाए। अब ये कहावत यहाँ इसलिए फिट बैठती है क्योंकि 5.5 सालों में MPPSC सिर्फ 3 राज्य सेवा परीक्षाओं 2019, 2020 और 2021 का फाइनल रिजल्ट जारी कर पाया, जबकि इस दौरान 3 नहीं बल्कि 6 परीक्षाओं के फाइनल रिजल्ट जारी हो जाने चाहिए थे। 2023 का रिजल्ट फिलहाल रुक चुका है, ये कब आएगा इसका कोई अता पता नहीं है। 2022 के इंटरव्यू कब होंगे इसकी भी फाइनल तारीख नहीं आई है। ऐसे में 800 पद ऐसे हैं जिन पर फिलहाल काले बादल छाए हुए हैं, यानी ये 800 पद कब भरे जाएंगे ये ना हम जानते हैं ना आप और शायद MPPSC भी नहीं। MPPSC खुद ही अपने नियमों, अपने कामों और लापरवाही की भेंट चढ़ता जा रहा है। राज्य सेवा परीक्षा 2023 को 7 महीने होने को है लेकिन रिजल्ट अटका हुआ है, मामला हाईकोर्ट में है। ऐसे में रिजल्ट कब जारी होगा कुछ कह नहीं सकते। राज्य सेवा परीक्षा 2022 के इंटरव्यू के लिए आयोग ने दिसंबर जनवरी का शेड्यूल रखा, लेकिन आधा अक्टूबर बीत गया, आयोग फाइनल तारीखें ही जारी नहीं कर पाया। रही बात राज्य सेवा परीक्षा 2024 की, तो मुख्य परीक्षा होने वाली है लेकिन परीक्षा के बाद मेंस रिजल्ट जारी हो जाए इसकी गुंजाइश कम ही है, क्योंकि पहले 2022 और 2023 का मामला आयोग सुलझाना चाहेगा। यानी 2018 की परीक्षा की नियुक्ति फरवरी 2019 में हुई, उसके बाद पूरे 50 महीने आयोग एक भी इंटरव्यू नहीं करवा सका, उम्मीदवारों को कहीं वही सब दोबारा न झेलना पड़ जाए। लेटेस्ट इन्वेस्टिगेटिव और इनडेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutra.com।